अस्सलामुअलैकुम। आज की जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी वो है मसाला भिंडी की। ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों को भिंडी नहीं पसंद ना तो इस तरह एक बार लास्ट में ट्राई करके देखें मेरे कहने पे। और इसकी अच्छी खासियत ये है कि आसान तो रेसिपी है ही, पर ये बनती बहुत जल्दी है, इसकी ड्यूरेशन बहुत कम है। आपको मेरी वीडियो की ड्यूरेशन देख के पता चल रहा होगा कि अगर ये वीडियो 3 मिनट की है तो ये भिंडी कितनी जल्दी बनी होगी। तो यहाँ मैंने ना इसको बनाने के लिए पहले मैंने ऑयल डाला है 1/2 कप, फिर मैंने इसमें भिंडी जो ऐड की है वो है 1/2 किलो के बराबर, ठीक है। तकरीबन 1/2 किलो भिंडी है, इसको अच्छी तरह पकाना है। 15 से 20 मिनट तक ये पकेगी बिल्कुल नॉर्मल आँच पे, मतलब हल्की ही आँच होगी, इतनी कि जले नहीं। और अगर आपको लगे कि जल रही है तो आप मिक्स करते रहना बीच में, जैसे मैं कर रही हूँ बार बार, ठीक है। इसको इतना पकाना है और कोशिश ये करें कि सब्ज़ियाँ जो आप बनाएं ना उसमें ऑयल कम यूज़ करें, क्योंकि फिर ऑयली अगर हो जाएगी तो फिर हेल्दी नहीं रहेगी चीज़। जब भी मैं इसमें कोशिश करती हूँ कि मैं ऑयल का कम यूज़ करूँ। खैर, जब भिंडी आपकी सॉफ्ट हो जाए 15 से 20 मिनट पकाने के बाद, तो फिर मैंने इसको पैन को इसी वाले पैन में यूज़ करना है। 5 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है और फिर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज काट के रखी थी, फिर मैंने इसमें वो प्याज ऐड की है। अब आप इसको इतना पकाइएगा कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, मतलब ये सॉफ्ट हो जाएगी बिल्कुल। इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसको नरम करना है। उसके बाद आप इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और फिर इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। 1 मिनट ये पकाना है, बल्कि 1 मिनट भी नहीं, ये आप कुछ सेकंड्स पकाएं। उसके बाद आप इसमें डाल दें टमाटर, मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काटे थे डाइस शेप के अंदर। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, ठीक है। उसके बाद हम अपने इसमें मसाले ऐड करेंगे, ठीक है, जो बेसिक मसाले होते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून हल्दी का डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, लाल मिर्चें, ठीक है, पिसी हुई लाल मिर्चें जो होती हैं वो 1 चम्मच गई। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड किया, फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया। ये मैं हमेशा ना जब भी ज़ीरा किसी खाने में डालती हूँ ना पीस के, मैं पहले इसको भूनती हूँ उसके बाद मैं इसको पीस के डालती हूँ, इससे खाने का फ्लेवर ही बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया था, बाद में एडजस्ट कर लूँगी मैं अगर मुझे कम लगेगा, अगर आपको कम लगे तो आप भी कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1/2 कप दही का ऐड किया, 1/2 पाव, यहाँ पर मैंने इनको अच्छी तरह मिक्स किया है। और यहाँ पर थोड़ा सा ना जो वेजिटेबल्स हैं हमारी और दही है ना वो पानी रिलीज़ कर देते हैं अपना, फिर ये इसी में पकेंगे। आप इसको ढकेंगे 5 से 10 मिनट के लिए ढकना है और बस यहाँ पर ये हो गई, सब्जियाँ गल गई हैं। फिर इनको किसी भी चम्मच से जिसमें हम खाना बना रहे हैं ना जैसे, उससे आप इसको मैश कर लें सबको। अच्छा, आपने ये नोट किया होगा जो मैंने ढक्कन इसका उठाया है, पहले मैं इसको थोड़ी देर यूँ हल्का सा उठाती हूँ फिर मैं साइड पे लेके जाती हूँ। अगर आप डायरेक्ट उठा के साइड पे कर देंगे ढक्कन को तो उससे ना क्या होता है, भाप आपके हाथ पे लगती है, आपके मुँह पर लगती है, उससे जलने का खतरा होता है। तो जब भी आप उठाएं इसका ढक्कन तो इसी तरह उठाएगा किसी भी खाने का। और यहाँ मेरा कैमरा थोड़ा सा ब्लर भी हो गया था इसी वजह से कि भाप लगती है। खैर, उसके बाद मैंने यहाँ पे 5 से 6 हरी मिर्चें ऐड की हैं बड़ी वाली काटी है, और जो हमने भिंडी फ्राई करके रखी थी अपनी वो डाली है। अब इनको इतना पकाना है, बस 5 से 10 मिनट इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पे कि इसका थोड़ा सा ऑयल सेपरेट हो और ये सारे फ्लेवर्स आपस में इनकॉर्पोरेट हो जाएं। यहाँ ये मसाला भिंडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये रेसिपी आप लोग मेरे कहने पर बार लाजमी ट्राई करें, ट्रस्ट मी यू वोंट रिग्रेट। इफ़ यू लाइक द रेसिपी गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब फॉर मोर यम्मी रेसिपीज। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।